Hey guys, this is Amy, aka StyleListings. जैसे कि आप सब लोग लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं तो मैं भी घर पे बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो गई थी तो हमने डिसाइड किया कि आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे हम क्या क्या कंटेंट देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज रात को फाइनली जब हम कोई भी सीरीज या कुछ भी देखने के लिए बैठते हैं तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी सीरीज या कौन सी मूवी देखी जाए बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कि वो मूवी कैसी होगी. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड मूवीज के बारे में. दिस इज अ बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड, टॉप 5 हिंदी बॉलीवुड मूवीज जो कि आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट से, जिसमें हम बात करते हैं टॉप 5 हिंदी बॉलीवुड मूवीज जो कि हैं थ्रिलर एंड ऑफ कोर्स वर्थ वॉचिंग. 5th नंबर पे है ब्लैक फ्राइडे. तो ये मूवी है उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जिन्होंने इन ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट किया, वो विक्टिम्स जो इससे अफेक्ट हुए, और इसके अलावा वो ट्रेटर्स, वो लोग जिन्होंने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया और इसको और भी कॉम्प्लेक्स किया. के मैनन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है इस मूवी में एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. एंड इसी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी इसमें बहुत ही छोटा सा रोल है. एंड मे बी दिस फैक्ट कैन रियली कन्विंस यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी. ओके, गॉट इट. बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ. तो चौथे नंबर पे है बेबी मूवी. तो इस मूवी में जो स्टारिंग है वो की है अक्षय कुमार ने. आई थिंक वो बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं तो ये रीजन काफी रहेगा ये मूवी देखने के लिए. बट इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंडियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज पे ध्यान रखते हैं और टेररिस्ट को लगातार अपनी कंट्री में इसे खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिनको लीड करते हैं अक्षय कुमार, जिनका नाम मूवी में है अजय, और उनके साथ है उनकी बहुत ही कैपेबल ऑफिसर तापसी पन्नू, जिन्होंने बहुत ही एक स्ट्रांग रोल इस मूवी में प्ले किया है. तो ये मूवी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आप अपने फ्री टाइम में इसको देखना चाहते हैं. तो हमारी थर्ड मूवी है रेड. इसमें है अजय देवगन. जब से उन्होंने अपनी पहली मूवी में वो बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री की है तब से वो सबके फेवरेट हैं. तो इसमें अजय देवगन ने भूमिका निभाई है, ज़्यादा हिंदी हो गई बट चलेगा आई थिंक. तो इसमें अजय देवगन ने भूमिका निभाई है एक बहुत ही जानदार, ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की. और अक्षय कुमार के ऑपोजिट जो रोल है वो है सौरभ शुक्ला का, ताऊजी का रोल है उनका इस मूवी में, जो कि एक पॉलिटिशियन है और उनको कोई भी रोक नहीं सकता है चाहे वो जो मर्जी करते रहे. पर अजय देवगन, एज यू नो, ही इज अ टफ मैन, तो अपने रोल के अकॉर्डिंग वो उनका पर्दा फाश कर देते हैं और उन्होंने जो भी इनकम टैक्स नहीं पे किया होता, अपनी ब्लैक मनी छुपा के रखी होती है, वो सब कुछ ढूंढ लेते हैं. कहाँ से ढूंढते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती, आप अपनी ब्लैक मनी संभाल के रखिए. तो दूसरे नंबर पे है मूवी काबिल. और ये मूवी आपके देखने के बिल्कुल काबिल है. दैट वाज अ बैड जोक. इस मूवी की स्टारिंग की है ऋतिक रोशन ने और इनके साथ है द फेयर एंड लवली गर्ल यामी गौतम. और बहुत ही क्यूट कपल है ये, जो कि अपनी एक सिंपल सी साधारण सी हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता है एक दूसरे के साथ. बट एक विलन की एंट्री होती है और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ. बट ये दोनों लोग मूवी में ब्लाइंड हैं और इसीलिए ये एक चैलेंज बन जाता है कि ऋतिक रोशन कैसे उन लोगों से बदला लेते हैं जो उनकी वाइफ को मार देते हैं. वॉज दैट अ स्पॉइलर? आई डोंट थिंक सो, वो तो आपको पता ही होगा. तो आगे बढ़ते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की और इस लिस्ट में इसका नाम है दृश्यम. ये मूवी मेरी फेवरेट है और मुझे ऐसी ही मूवीज पसंद आती हैं. दृश्यम का मतलब है कि आपके सामने एक ऐसा दृश्य क्रिएट कर देना कि वो एक्चुअल में हुआ नहीं है पर आपको विश्वास दिला देना कि ऐसा हो रहा है. तो इसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बहुत ही अच्छी मूवी है अजय देवगन की. और इसमें उनकी वाइफ का रोल निभाया है श्रेया सरन ने और उनकी जो बेटी की भूमिका रोल में है इशिता दत्ता. और तब्बू, जो कि मेरी फेवरेट है, उनका इसमें बहुत ही स्ट्रांग रोल है एक पुलिस ऑफिसर का. अजय देवगन का बहुत ही एक साधारण आदमी का उनका रोल है जो कि अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा होने पर गलती से जो कानून होता है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद वो उस चीज़ को कैसे वो क्लेवरली इस चीज़ को कवर अप करते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो भी किया है सही के लिए किया है. और इसी चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है.
तो गाइस ये थी टॉप 5 थ्रिलर हिंदी मूवीज की लिस्ट जो कि मुझे अच्छी लगी। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ कंटेंट वर्थ वॉचिंग है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो आप हमें कमेंट्स में या फिर डीएम करके मैसेजेस करके बता सकते हैं, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सैनिटाइजिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।